नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, सरकार बनी तो 24 घंटे में किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। इस अवसर पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम काम करने में हीरो हैं, पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागते। दूसरी पार्टियां काम में जीरो हैं और पब्लिसिटी में हीरो। कांग्रेस के घोषणा पत्र की कई प्रमुख बातें रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, वचनबद्ध हैं, जो कहा है वो पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम काम करने में हीरो हैं लेकिन पब्लिसिटी में पीछे हैं। हालांकि दूसरी पार्टियां काम करने में जीरो हैं लेकिन पब्लिसिटी में हीरो हैं। कांग्रेस के चंडीगढ़ कार्यालय में जारी किए गए घोषणा पत्र के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसमें गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी का नाम प्रमुख है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मिडिल क्लास पर फोकस करने की कोशिश की गई है। इसमें 300 यूनिट प्रति माह तक बिजली फ्री करने का भी वादा किया गया, जबकि 300 से अधिक यूनिट होने पर प्रति यूनिट आधा रेट किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए SC कमीशन का पुनर्गठन करने का भी तथा पिछड़ी जातियों के लिए फ्री क्लियर लेयर में 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करने का पार्टी ने वादा किया। खैर, आइए देखते हैं कांग्रेस ने घोषणा पत्र में प्रमुख बातें क्या लिखी हैं। कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33% आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री की जाएगी, गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म पर हर महीने 3500 रुपये, 5 साल का होने तक 5000 रुपये तक महीना दिए जाएंगे, विधवा, दिव्यांग, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं को हर महीने 5100 रुपये पेंशन भी मिलेगी। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को हर महीने चूल्हा खर्च के तौर पर मिलेगा 2000 रुपये। कांग्रेस ने युवाओं से भी वादा किया, हर जिले में बनेगी एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा 10वीं पास या 10वीं के स्टूडेंट्स को हर साल 12000 रुपये और 12वीं के स्टूडेंट्स को हर साल 15000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर सरकारी संस्थान में बनेगा एक फ्री वाईफाई जोन। टीचरों की भर्ती के लिए चलेगा विशेष अभियान। हर परिवार में एक नौकरी पक्की दी जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए एक बड़े वादे किए, कहा हर महीने 300 यूनिट तक बिजली होगी फ्री, 300 यूनिट से ज़्यादा होने पर आधा रेट लगेगा, अनुसूचित जाति के अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन फिर से किया जाएगा, हरियाणा में पिछड़ी जातियों और मौजूदा क्रीमी लेयर को 6 लाख रुपये से बढ़ा करके 8 लाख रुपये किया जाएगा, वहीं BPL परिवारों के लिए 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे प्लाट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र घोषित कर दिया। इस संकल्प पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आरक्षण, किसानों को कर्ज माफी, हर परिवार में एक नौकरी जैसे कई वादे किए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक संकल्प पत्र जारी किया है। इस उपलक्ष्य में गुलाम नबी आज़ाद, कुमारी सैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, पवन बंसल मौजूद रहे।